हेलो फ्रेंड्स, मु अनिता सार ओडिया यूट्यूब चैनल को आपन मन स्वागत करुची। आमर ओटीट पे जो क्लास सब चली, एक्चुअली आम तो ओटीट एवं नेक्स्ट ए मंथ र लास्ट वीक आड़ को बोधे हबार जा, तो आपन माने जोरदार लागि पड़ंतु एबठु। आउ आपन माने जेते पाउचंती सेते प्रैक्टिस करंतु, जेते क्वेश्चन जोठु भी पाउचंती, जो यूट्यूब चैनल हो कि जोठी हो, आपन जेते प्रैक्टिस करिवे सेते आपनकर नॉलेज बढ़िबो। आ जेकोणसी जोड जते मटेरियल पाउछन्ते सेते एबे प्रैक्टिस रे लागि जांतो, ठीक अछि। तो आज मु आपन मानन को पई 30 इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन्स ले नै के आछि, सो भलो भलो क्वेश्चन्स सब चूज करिकि। तो जदि भल लागिबो आपन माने लाइक ते निश्चित करिवे, आ शेयर करबा को भूलिबेनि, आ जो माने नुवा देखुछन्ते चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, ठीक अछि। चलन जिबा क्वेश्चन डिस्कशन करिवे। फर्स्ट क्वेश्चन्स रहउछि कोन ना, हमरो प्रोज इज टॉट प्राइमरली फॉर डैश। प्रोज जो रोची आमर सेटा कौन पाई आमर प्राइमरली कौन पाई दोची, माने बेसी तार मेन एम कौन रोची, माने लिटरेचर पाई ना, आमर रोची लैंग्वेज पाई ना, रीडिंग पाई ना, आमर वोकैबुलरी पाई। आर राइट आंसर कौन रहइबो ना, राइट आंसर रहइबो आमर ऑप्शन ए रो जो रोची टॉट प्रोज पाई, तो सेटा रहइबो लैंग्वेज टा रहइबो तार राइट आंसर, ठीक अछि। तो प्रोज पई आ पोएट्री पई डिफरेंट रहउची तार एम, प्रोज पई रहइबो लैंग्वेज आ पोएट्री पई रहइबो लिटरेचर, ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलन जिबा, क्वेश्चन नंबर 2, डिटेल्ड प्रोज लेसन्स डेवलप्स डैश। जो हमर रहउची पढा जाय, आपन मन जानथिबे डिटेल्ड आ नॉन डिटेल दीटा टू टाइप्स रो रहउची, कोन ना गोटे रहउची डिटेल आ गोटे होउची नॉन डिटेल। तो सेई डिटेल फर्स्ट डिटेल्ड प्रोज टा कोन पई माने कोन डेवलप करे, डिटेल प्रोज पढ़ा हेले कौन डेवलप होता है, तो यहाँ कौन ना डिटेल प्रोजटा आम कौन ना इंटेनसीव रीडिंग को डेवलप करे, इटा इंटेनसीव्रे जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन डिटेल, देखु ये दीटा आम रोच गोटे डिटेल गला आउ नॉन डिटेल। नॉन डिटेल आपने पढ़ते जो रोचे आम स्टोरी सब रोते, नॉन डिटेल प्रोज डेवलप कौन, नॉन डिटेल जो रोच डिटेलटा आम कौन गला डिटेलटा गोटा इंटेनसीव रीडिंग, आउ नॉन डिटेलटा कौन रहइबो ना नॉन डिटेलटा रहइबो आमर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जीव। तो आर राइट आंसर रहइबो ऑप्शन बी एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड ऑन डैश। ऑब्जेक्टिव जो रहउछि सेटा कोथरे माने कोन कहा ऊपर बेस करिक डिसाइड, थीम लैंग्वेज ना बोथ थीम और लैंग्वेज, तार राइट आंसर कौन रहइबो ऑप्शन सी रहइबो राइट आंसर, बोथ थीम आउ लैंग्वेज दीटा जाक मिसिक ऑब्जेक्टिवटा डिसाइड हेथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंट्रोडक्शन इन ए लेसन प्लान एम्स आट डैश। गोटे माने लेसन प्लान जो आम हो तो से जो इंट्रोडक्शन दिया हम फास्ट गोटे जेकोसी गोटे आस जे पढ़े टीचर आसी फास्ट तो इंट्रोडक्शन देवे, तो इंट्रोडक्शन जो दिखती सीटा कौन कराए कौन तार एम रोच, फास्ट रोचे ऑप्शन ए मोटिवेशन ना, ऑप्शन बी रोच क्यूरियोसिटी ना, ऑप्शन सी रोच वार्म अप ना, आमर ऑप्शन डी रोच ऑल ऑफ एबव, तो आर राइट आंसर कौन रहइबो ऑल ऑफ एबव। चारिटा जाक गोटे टीचर फास्ट आसिकी इंट्रोडक्शन दिखती गोटे फास्ट जेको सब्जेक्ट पढ़े फास्ट इंट्रोडक्शन टा देवे, तो आर चारटा जाक दरकार मोटिवेशन आणवे छुआ भितर, आ क्यूरियोसिटी भी गोटे छुआर क्यूरियोसिटी हम से जानवाक चाहिए कम पढ़ा जा आगे, आ वार्मिंग अफ लर्नर्स है वार्मिंग भी करेंगे, तो तीन टा जाक ठीक अच्छे आर राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मीनिंग एंड इनफॉर्मेशन ड्यूरिंग, माने केते बेले स्टूडेंट केते बेले एक्सप्लोर करंती तार माने आउ इनफॉर्मेशन को केते बेले से माने निजे निजे एक्सप्लोर करंती, कोउ टाइम रे ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग रे ना आफ्टर साइलेंट रीडिंग रे ना बिफोर साइलेंट रीडिंग रे ना नॉन ऑफ दीज रे। आर राइट आंसर कौन रहइबो ना ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग जेते बेले छुआटा पढ़े निजे निजे तो सेते बेले से निजे निजे तार माने आउ तार कौन कौन से रहुचि इनफॉर्मेशन दौची गोटे स्टोरी हो कि जेकोसी जिनस से पढ़ुची, तो सेटा से निजे निजे एक्सप्लोर करे से निजे बाहर करे जे हाँ यहाँ ये जो रोचे आमर एक गोटे पैसेज रहा तार रोची अर्थ, तो से जो से निजे साइलेंट रीडिंग कर समय यहाँ हम तार राइट आंसर ऑप्शन ए रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, न्यू नॉलेज इज पुट फोर्थ ड्यूरिंग डैश। नुआ नॉलेज केत बड़े दिया जाए पुट फोर्थ माने केत बड़े माने तांको दिया जाए नुआ नॉलेज, आमर जानथिबे टीचर जेतो फर्स्ट आसीबे इंट्रोडक्शन देबे ता प्रेजेंटेशन करिबे तार इवैल्यूएशन करिबे आर सब माने स्टेप बाय स्टेप रहुची आमर गोटे पढ़ेलार गोटे पढ़ेबार गोटे स्तर सब रहुची तार, तो आमे नुआ नॉलेज केत बड़े पाइबा नुआ नॉलेजटा
इंट्रोडक्शन बेले पाइबा ना प्रेजेंटेशन बेले पाइबा ना इवैल्यूएशन बेले पाइबा आ राइट आंसर कोन रहइबो ना ऑप्शन बी रहइबो राइट आंसर प्रेजेंटेशन जेतेले टीचर प्रेजेंट करिवे गो टॉपिक की गोटे जे कोनसी जहा पढौ जन सेटा प्रेजेंट करिवे सेतबेले जेंगे हमें नुवा जिंसटा पाई परिबा ता राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रेंशंस क्वेश्चंस आर डैश कॉम्प्रेंशंस जो क्वेश्चंस रहूची सेगुडा कोन फैक्चुअल ना इन सीक्वेंस ना ग्लोबल ना ऑल ऑफ दिस आर राइट आंसर कोन रहइबो ना ऑप्शन डी रहइबो राइट आंसर रहइबो ग्लोबल ना सॉरी ऑल ऑफ दिस डीटा रहइबो आर राइट आंसर आ फैक्चुअल भी आ सीक्वेंशियल आ ग्लोबल भी रहइबो कॉम्प्रेंशन क्वेश्चन गुडी को राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रेंशंस सॉरी डबल हे आइची क्वेश्चनटा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सटेंशन एक्टिविटीज आर टेकन ऑफ ड्यूरिंग डैश एक्सटेंशन जो आमर जो एक्टिविटी रहूची सेटा माने केउ समय रे माने टेक ऑफ हबो एंगेजमेंट बेले जो आमर रहूची 5 ई जो रहूची एंगेजमेंट बेले रहइबो ना एक्सप्लेनेशन बेले रहइबो ना एलाबोरेशन बेले रहइबो ना ऑप्शन डी रहूची इवैल्यूएशन बेले रहइबो आ चारटा ऑप्शन लु कोउटा राइट आंसर ना राइट आंसर रहूची एलाबोरेशन बेले आमर माने कौन एक्टिविटीज जो रहूची सेगुड़िक दिया जाए थे ड्यूरींग एक्टिविटी में जो एलाबोरेशन टाइम रे दिया जाए राइट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 इवोल्यूशन इज द टेस्ट ऑफ डैश जो इवोल्यूशन आमर हुए तो सेटा माने कहार टेस्ट को इवोल्यूशन कहा जाए लैंग्वेज स्किल रो टेस्ट ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रो टेस्ट ना कम्युनिकेशन जो तार रहूची तार टेस्ट ना ऑल ऑफ दिस तो एटा एई भला क्वेश्चन प्राय आसे हमर एग्जाम रे आ छुआ भी कंफ्यूज है ऑल ऑफ दिस भी मारी देबे किंतु आर एक्चुअली राइट आंसर रहिबो कोन ना ऑप्शन बी रहिबो राइट आंसर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव माने हमर जो फर्स्ट माने जहां भी हमको इंस्ट्रक्शन देइथान जहां पढ़ेथान तार टेस्टटा को इवैल्यूएशन बोली कह जाए तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहिबो. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रोल ऑफ द टीचर इज टू डैश एटा बहुत सहज क्वेश्चन आउ एटा समस्त प्राय जानिथि हमर टीचर रोल कोन एक्सप्लेन करिवे ना टीच ना फैसिलिटेट ना नॉन ऑफ दिस राइट आंसर कोन रहइबो ना हमर ऑप्शन सी रहइबो राइट आंसर टीचर जने फैसिलिटेटर भाबे रहइबे जाकि खाली फैसिलिटी देबे माने प्रोवाइड करिवे ताकु सुइटेबल ताकु एनवायरनमेंट देबे जेमति छुआटा निजे निजे पढ़िबो तो टीचर रोल कोन ना फैसिलिटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पोएट्री इज ए लेसन ऑफ डैश देखु आम जो फास्ट पढ़ले प्रोजटा कौन पढ़ा मेन एम रोच कौन तार रोच लांगुएज तो पोएट्रीटा ये पोएट्रीटा लेसन ऑफ कौन ना लिटरेचर ना आप्रिसीएसन ना एंजॉयमेंट ना ऑल ऑफ दिस कौन पोएट्रीटा गोटे लेसन मैंने कौन पढ़ा ना आर राइट आंसर कौन रहा आम राइट आंसर रोज ऑल ऑफ दिस पोएट्रीटा एक्चुअली आम लिटरेचर पर भी आप्रिसीएसन आउ एंजॉयमेंट सब जिन पोएट्री भितर ही रही तो आर राइट आंसर ऑल ऑफ दिस रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू डैश जो एस्थेटिक सेंस जो हमर डेवलप हबो का माध्यम रे माने कोन कोडा बेसी पढिले कि जानिले सेटा एस्थेटिक सेंस टा हमर डेवलप हबो प्रोज ना पोएट्री ना कंपोजिशंस ना नन ऑफ दिस हमर राइट आंसर कोन रहइबो ना ऑप्शन रहइबो बी रहइबो राइट आंसर पोएट्री. ठीक अछि पोएट्री पढले एस्थेटिक सेंस टा डेवलप होइथाय. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स फॉर डैश स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप्स फॉर डैश शेयरिंग इंटरेक्शन वर्किंग टुगेदर ऑल ऑफ दिस एटा तो बहुत सहज क्वेश्चन आ राइट आंसर ऑल ऑफ दिस रहइबो काहेकि ना गोटे ग्रुप है कि जो छुआ जितने रहती से शेयरिंग भी करती इंटरेक्शन भी हुए भितर आउ मिसिकी वर्किंग टुगेदर मिसिकी काम करती तीन टा जाक ऑप्शन ठीक अच्छे तो आर राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 पोएट्री एंड्स इन ए डैश पोएट्रीटा जो शेष हुए कौन स्वीट नोट रे ना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन रे ना गोटे रोचे वर्चुअल रे ना नॉन ऑफ दिस रे आ राइट आंसर कौन रहइबो ना ऑप्शन सी रहइबो राइट आंसर वर्चुअल रे एंड हेता पोएट्रीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर इन पोएट्री आर डैश गोटे माने टीचर को द्वारा जो क्वेश्चन पचरा जाए गोटे पोएट्री रे तो सेटा केम कौन हेता माने फैक्चुअल हुए ना अप्रिसिएटिव होता है ना बोथ ए एंड बी होता है तो आर राइट आंसर कौन रहुची ना आर राइट आंसर रहइबो ऑप्शन सी दुटा जाक थाए माने फैक्चुअल भी रही था अप्रिसिएशन भी ता भीतर था अप्रिसिएटिव भी था तो दुटा जाक रहे तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहइबो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स अप्रिसिएट इन ए पोएम डैश स्टूडेंट कौन अप्रिसीएट करती गोटे पोएम रे कौन तार एक्सप्रेशन को ना गोटे रिदम पैटर्न को ना तार पोएट्स रो थॉट को ना कहा को माने
या भितर कोटा को बेसी स्टूडेंट्स आप्रिसीएट करती कौटा राइट आंसर कौन ऑप्शन डी रही है राइट आंसर सब गुड़ी को गोटे पोएट्री आम पढ़ला बेले सब गुड़ आसे रिदिम भी तार राइम जो आसूसी पोएट्री गोटे थॉट चिंताधारा प्रतिफलित होता है ताकि भी आम जानपरती तार एक्सप्रेसन भी जानपरती तार कौन से कहवाक चाहते पोएट से भी जानपरती तो सब गुड़िक आम जानपर तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एंजॉय रिसिटेशंस आफ्टर डैश जो आवृत्ति करती रिसिटेशन जो रोच तो आवृत्ति जो करती केतले होता है मैंने क्या पर हुए आगे इंट्रोडक्शन पर हुए ना एक्सप्लोरेशन बेले हुए ना एक्सप्लानेशन बेले हुए ना इवेल्युएशन बेले हुए तो चार्टा भितर क्या पर स्टूडेंट रिसिटेशन करती तो आर राइट आंसर कौन रहा ऑप्शन सी एक्सप्लेन परे गो टीचर आगे इंट्रोडक्शन दब तापरे प्रेजेंटेशन करिवो तापरे एक्सप्लेन करिवो एक्सप्लेन जो करंती एक्सप्लेन परे स्टूडेंट कौन करिवो निसरे रिसिटेशन टा करेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट एंजॉय रिसिटेशन सॉरी एटा डबल हे आइछि तो 19 रहूछि फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर डैश फ्लो चार्ट जो रहूछि हमरो तो सेटा कौट यूज हो पारे लिसनिंग रे राइटिंग रे रीडिंग रे ना ऑल ऑफ दिस चारिटा भितर कौटे तो फ्लो चार्ट कौती रहा आम ऑप्शन बी राइट आंसर राइटिंग रे ही यूज होता है। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलत जी 20 टीचिंग ऑफ पोएट्री हेल्प्स फॉर डैश जो आम पोएट्री टीचिंग हो मैंने पढ़ा जाए सीटा कौन हेल्प करे आमको करेक्ट इंग्लिश ना गुड यूसेज ना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ना नन ऑफ दिस तो आर राइट आंसर कौन रहा ऑप्शन सी रहा राइट आंसर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन गोटे आम जा पोएट्रीटा गोटे एक्चुअली ब्यूटीफुल गोटे मैंने आमको गोटे रिदिम मध्यम आम जापारती तार पोएट्र चिंताधारा कौन जापारती आम बहुत भल लगे गोटे पोएट्री आमको फास्ट भल लगे प्रोजार गोटे पोएट्री भल लगे तेणुकटा गोटे ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दरकार थाए जोटा कि आमर बढ़ी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिशन कैन डेभलप डैश गोटे कंपोजिशन कौन डेभलप कर लिसनिंग आउ स्पीकिंग कौ स्किलटा को बेस डेभलप कर स्पीकिंग राइटिंग ना रीडिंग राइटिंग ना नन ऑफ दिस तो आर राइट आंसर कौन रहा आम ऑप्शन बी रहा राइट आंसर स्पीकिंग आउ राइटिंग डेभलप कर दुटा एस डब्ल्यू ए दुटा को आम कौन कंपोजिशन टा डेभलप कर। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिशन लेसन्स कवर डैश कंपोजिशन लेसन टा कौन कवर कर एसी लेटर ना पाराग्राफ ना ऑल ऑफ दिस आर राइट आंसर कौन रहा ना ऑप्शन डी सब गुड़ी को कवर करे कंपोजिशन कहीं ना खाली आम कौन एसी कंपोजिशन करवा लेटर करवा कि पाराग्राफ कर सबुति ही कंपोजिशन दरकार पड़े तो सबुति कंपोजिशन द्वारा ही सब होता है तेणुक सब गुड़िक हम ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 एडिटिंग ए कंपोजिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश जितेबाला आम गोटे एडिटिंग करती गोटे कंपोजिशन से मैंने केतटा करती मैंने प्री रईटिंग बेले करती पोस्ट रईटिंग करती ना जो लिखु था से करती व्वल रईटिंग कर सही समय करती ना अल अफ दिज्रे करती एडिटा फास्ट आम के आम जो कौन करवा ना जो आम लिखि सार पोस्ट रईटिंग एडिट करवा तो गोटे जिनस लिखा सारापर ही एडिट कराए तो राइट आंसर ऑप्शन सी रोस्ट रईटिंग पर एडिटिंगटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड कंपोजिशन इन द प्रडक्ट अफ एनफ एक्सपोजर टू डैश गुड कंपोजिशन गोटे प्रडक्टर कौन करे ना रीडिंग ना स्पीकिंग ना इंटरेक्शन ना नन ऑफ दिस मैंने कौती है गुड कंपोजिशन हो पार बेसी तो यहाँ रोच ऑप्शन ए रीडिंग आर ऑप्शन ए राइट आंसर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए कंपोजिशन वन नीड डैश गोटे कंपोजिशन करने फास्ट आमर कौन दरकार आइडिया ना लैंग्वेज ना वोकैबुलरी ना चारिटा जाक सब दरकार तो आर राइट आंसर कौन रथम आम जदि गोटे कंपोजिशन करवा जे जड़े कर तो फास्ट आमर कौन दरकार हम तो आमर चारटा जाक भी दरकार हम तो मैंने आइडिया भी दरकार लांगुएज भी दरकार वोकैबुलरी भी दरकार तो ऑल ऑफ दिस हम राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आट द बिगनिंग द लर्नर शुड बी प्रोभाइड प्राक्टिस थ्रो डैश फास्ट जो गोटे लर्नरटा कौन कर प्राक्टिस करमती कंपोजिशन कराया ग्वाइडेड कंपोजिशन ना फ्री कंपोजिशन ना पिक्चर कंपोजिशन ना नन ऑफ दिस प्रथम जितने जन कंपोजिशन स्टार्ट कर तो सीते से कौन कर ना तार ग्वाइड कंपोजिशन करवा दरकार ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिंग ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इज डैश गोटे पिक्चर देखिकी गोटे स्टोरी कंपोजिंग जो करा जाए कंपोजिशन करा जाए तो सेटा को
माने कौन केमती करा जीवो फ्री कंपोजिशन ले करा जीवो ना ग्वाइड कंपोजिशन ले करा जीवो ना बोथ ए एंड बी रे करा जीवो दीटा जाक दरकार पड़ियो तार राइट आंसर ऑप्शन बी रहबो माने गोटे गाइडेड है कि कंपोजिशन करले गोटे स्टोरी को हमें कंपोज कर परबा पिक्चर देखि कि ठीक है जी तो राइट आंसर रहबो ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर राइटिंग इज ए डैश गोटे लेटर हमें तो लिखु जंदी सेटा को टाइप रे कंपोजिशन फ्री कंपोजिशन ना ग्वाइडेड कंपोजिशन ना बोथ फ्री आउ ग्वाइडेड भी हो पार तार राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन ए रही फ्री कंपोजिशन लेटर राइटिंगटा आम फ्री कंपोजिशन ले ही जीव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 द फास्ट ड्राफ्ट इन डन ड्यूरिंग डैश जिते आम ड्राफ्ट फास्ट करती तो केत टेक्स प्लेस मानने कौ समय यहाँ कराए प्री रईटिंग बेले ना जिते लिखु था ना लिखि सारापर तो प्रथमे आमे ड्राफ्टा केतेबेले लिखिया ना आमे जेतेबेले लिखिबा फर्स्ट सेतेबेले लिखिबा व्हाइल राइटिंग तो आर राइट आंसर कौन रहिबो ना ऑप्शन बी रहिबो राइट आंसर जो रहुची आमरो ड्राफ्टटा सेतेबेले हेथाय नेक्स्ट क्वेश्चन फीडबैक इज प्रोवाइड ड्यूरिंग डैश एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे फीडबैक एटा प्राय पड़े तो एटा बुलेकी पकई थाय एमती बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन ले फीडबैक इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डैश फीडबैकटा केतेबेले माने दिया जाए प्री राइटिंग बेले ना व्हाइल राइटिंग बेले ना पोस्ट राइटिंग बेले ना नॉन ऑफ दिस बेले केउं समय जने फीडबैक दब जत्ते बेले लेखा सरीबो तापर फीडबैक देटा भल होई छि कि खराब होई छि कोन होई छि सेटा तापर फीडबैक से दब तो आर राइट आंसर कोन रहइबो ना रहइबो ऑप्शन सी रहइबो राइट आंसर पोस्ट राइटिंग परे जो लेखा सरला परे तापर जने फीडबैक दब कोन होई छि बोली तो आर राइट आंसर रहइबो ऑप्शन सी ठीक अछि तो ये थिला हमर किछि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स रहुची तो एगुड़ी आपण माने प्रैक्टिस करनेबे आउ जदि भल लागियो गोटे गोटे लाइक करिवे आउ आपण माने जेते पारुचन सेते प्रैक्टिस करंतु जे जोउट भी पाउचन सेते क्वेश्चन आपण माने निजे निजे ही प्रैक्टिस करो तो किए माने कोडी भल आसची कोडी खराब आसची जेमदिने क्वेश्चन गुड़ी आपण माने फास्ट ताकु बेसी फोकस करंतु जे कोड केते क्वेश्चन आपनको मिलुची कोड केते क्वेश्चन आपण कौन आप प्राक्टिस करूँगी सहीटा आप एग्जाम हेल्पफुल हम किए कौन मानने डिसलाइक लाइक एगुड़ी किसी न देखिकी आप खाली एवं जी पार्टी कौन प्राक्ट कर चलत जाने ओटीट क्लीयर करेंगे ठीक अच्छे तो थैंक यू आपड़ी भल लगे गोटे लाइक करेंगे आउ सेयर करने को भूल थैंक यू।